बारे में आप तक विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा, वंचित हो मिला या नहीं मिला, इसके संबंध में विकास यात्रा को चलाएं। हमारे बीच यहाँ के ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ। कि शिवराज पहले तो आप राजनीत हो कि आइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। जो ये विकास यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया, की बात करी कांग्रेस की बात करें, कई पार्टियां भी चुनावी स्टैंड पर हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि ये विकास यात्रा नहीं है, इनकी अंतिम यात्रा है। क्या है, कांग्रेस वाले बौखला गए क्या है? इस विकास यात्रा को देख के वो लोग बौखला गए हैं। तो मैं आपके साथ रवि नायक, एपीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे, कई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के एसएसपी शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अब पूरे यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और विकास यात्रा गाँव गाँव शहर शहर में निकाला जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं क्या विकास यात्रा क्या है। विकास यात्रा क्या है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, वो विकास यात्रा क्या है, जनता को किस अभियान चला रहे हैं और समझा रहे हैं। जो ये विकास यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, विकास यात्रा का मतलब है कि शासन की जो योजनाएं चल रही हैं, जो 56 विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है और लोग आम जनता को लाभ दिया जा रहा है, तो क्या है कि बहुत से ऐसे हमारे ग्रामीण माताएं बहनें हैं जिनको इस योजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं रहती। तो जो ये विकास यात्रा चलाया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे गांव-गांव तक जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उस योजना का लाभ हमारे गांव के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस माध्यम से कम उनको जानकारी, और जो नहीं मिल रहे हैं तो उनका नाम जिस योजना के पात्र हैं उनको दिया जाए। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी स्टैंड पर है, कई पार्टियों को देख सकते हैं, बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, कई पार्टियां भी चुनावी स्टैंड पर हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि ये विकास यात्रा नहीं है, इनकी अंतिम यात्रा है। क्या है, कांग्रेस वाले बौखला गए हैं क्या है? इस विकास यात्रा को देख के वो लोग बौखला गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनका काम है हमेशा झूठ बोलो और राज करो। कि अभी मध्य प्रदेश के एसएसपी शिवराज सिंह चौहान नाम तो था बहना योजना, और आइए जानते हैं कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि बहना योजना एक चुनावी स्टैंड है, सब वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या है, देखिए बोल के तो जल्दी है फ्री हो गया। जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है लाडली बहना योजना, तो इसपे जो हमारे बहनें हैं उनको घर में ढेर सारा काम करना पड़ता है, बेचारी थक जाती है, इसलिए उनके पौष्टिक आहार के लिए कि हम एक बहना योजना लाडली बहना योजना लागू करके और उनको भी हम 1,000 रुपये उनके खाते में, ताकि हमारे कांग्रेस तो 1,000 बहना योजना दे रही है, उस मतलब चुनाव के लिए चुनावी स्टैंड है, वोट खरीदने का काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये चुनावी स्टैंड नहीं है, ये बहनों के लिए, इनके पौष्टिक आहार के लिए, ताकि वो लोग आर्थिक रूप से अपने मजबूत करने के लिए उनको दिया जाए। हमारे बीच एक युवा है और इनसे जानते हैं क्या मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है कि नहीं, विकास यात्रा चल रही है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं जनता जिले के, पूरे अनूपपुर जिले के बारे में? देखिए, विकास यात्रा क्या है, जो हमारे गरीब भाई बहन अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उस तक कैसे विकास पहुँचे, इस विषय को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा विचार विमर्श कर विकास यात्रा को चलाया गया। तो अधिकारी गांव-गांव जाके और हितग्राहियों से मिलकर और विकास के बारे में आप तक विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा, वंचित हो मिला या नहीं मिला, इसके संबंध में विकास यात्रा को चलाएं। हमारे बीच यहाँ के ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि शिवराज सरकार यह दावे कर रही है कि जमीनी हकीकत क्या है। आइए इनसे जानते हैं, जनता है, जनार्दन है, इनसे पूछ के पता ही चलेगा। कहाँ पे देखना चाहेंगे आप? पहले राशरी खाना
छोड़ दीजिए, फिर मीडिया से बात खत्म हो गया, खत्म कर दिया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या मतलब आपके जो ग्रामीण यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? ग्रामीण में हमको विकास तो भी कहीं पे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। लेकिन ग्रामीण देखो ना भाई, मतलब लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर विकास हुआ है, जिनके यहाँ शहर बन गया, जिनके यहाँ हुआ है, जिनको मिला है वो लोग बोल रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो नहीं बोल रहे हैं। ये 2023 में चुनावी साल है, क्या शिवराज सरकार को सरकार इस साल आएगी कि नहीं आएगी? नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि यहाँ की घोटाले देख के, हर चीज देख के अपन को ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब नहीं आ सकता। कैसा घोटाला हुआ है? बहुत से घोटाला हुआ। पंचायत में देखिए आप, कितने कौन से अभी काम चल रहा है, किलो की फर्जी हाजिरी लगती है, फर्जी काम करते हैं, फर्जी जगह काम होती है। जिसके यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, उसके यहाँ आज आवास आ गया। आप देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण नाखुश हैं विकास यात्रा को लेकर। यहां पर विकास यात्रा की बात कर रही है बीजेपी सरकार, विकास यात्रा चला रही है और इनको लाभ नहीं मिला है। और मेरे भाई साहब को इनको लाभ जरूर मिलना चाहिए।